नमस्कार दोस्तों, इंटीरियर सीरीज़ का पहला पार्ट है ये। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक चैनल है नौटंकीबाज प्रैंक्स। प्लीज़ उसको जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखें। उसने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। प्लीज़ जाके उसको सपोर्ट करें, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा था कि मैं एक इंटीरियर का एक प्लान कर रहा हूँ, इंटीरियर सीरीज़ का। उसका ही ये लेआउट है, उसका ही ये फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान। लेआउट प्लान में क्या होता है कि हमारा, जैसे वो उसमें पूरा दिखाया रखता है कि कहाँ पर क्या आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्स वगैरह बनाएंगे, फिर हम उसके अंदर मॉडल्स रखेंगे। मैं आपको बता दूंगा मॉडल्स हम कहाँ से डाउनलोड करें और टेक्स्चर वगैरह कहाँ से डाउनलोड करते हैं। हम मैक्स खोलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे किस उसमें बनाएं, ये इंच में बनाएं, फिट में बनाएं, ये इंचज़ में बनाएं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये इंच में बना है। इंपोर्ट करेंगे हम, जहाँ पर भी आपकी ये फाइल है वहाँ पर जाएंगे। यस, अब यहाँ पर ये पूछता है कि आप ने किस किस यूनिट में आपको लेना है। जैसे इंचज ही आ रहा है तो उसको ओके कर दीजिए। यस, ठीक है, ये आ गया। उससे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल है सिलेक्ट करेंगे, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे जिससे कि हमें विजिबल हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये हमारा लेआउट प्लान है, पूरा का पूरा ये लेआउट है, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, फ्रीज़ करने के बाद हम इस पर हम मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये इसमें पूरा बनाया हुआ है कि ये वॉल है, तो हम यही इसको ट्रेस करेंगे, ये पूरी लाइन ट्रेस करेंगे। ठीक है, बेडरूम वगैरह अब आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये यहाँ पर ये विंडो है, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, ये स्लाइडिंग डोर है, ठीक है ना। हम चलो स्टार्ट करते हैं। स्नैपिंग टूल्स का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रोजन ऑब्जेक्ट, अगर आप ये नहीं ऑन करोगे, इससे ये होगा कि आपकी जो फ्रीज होगी ऑब्जेक्ट, उस पर स्नैप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये डोर है, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं करा इसको। ठीक है,
क्या करना होगा हमें, किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या करना पड़ेगा, अटैच, इन सब को एक बार अटैच कर लीजिए। शिफ्ट से कराया मैंने ये, ठीक है। ये चीज़ भी वॉल ही है, अब अपने हिसाब से कर लीजिएगा फटाफट, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैड में भी जाके सारी वॉल्स हैं, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि ये भी एक पूरा है, पिलर के लिए हम अलग से करेंगे। थ्री प्रेस करा और इसको डिटैच कर दीजिए एक बार, ठीक है। अब एक बार हम करते हैं सारे पिलर्स को, जितने भी हमारे पिलर्स हैं, ये पिलर, ये भी पिलर है, ये भी पिलर है, ओ यहाँ पर ये पिलर था, चलो कोई नहीं, इसको हम देखते हैं। अटैच कर लीजिए एक बार जो भी एक्स्ट्रा है, जैसे कि ये है, ठीक है। पिलर कर रहे थे, ये पिलर है और एक पिलर यहाँ पर भी है, और कोई पिलर नहीं रहा। इसको स्टक करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली करेंगे, स्प्लाइन, सॉरी स्प्लाइन के बाद इसको अटैच अटैच अटैच। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि और कुछ रहा तो नहीं, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। ये हो गया है, यहाँ पर ये डोर है, ये विंडो है, ये इसको अटैच करना रह गया है। जाएंगे अटैच, इसको अटैच करेंगे, ठीक है। और ये हमारे सारे पिलर्स हैं, पिलर हो गया, ठीक है। हम इसको हम करेंगे, सॉरी वॉल्स, ठीक है। और कुछ तो नहीं रहा, नहीं सब कुछ ओके हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सट्रूड, जो हमारी नॉर्मल हाइट होती है 6 फीट ह्यूमन की, और हम लेते हैं 11 फीट, ठीक है। और पिलर को जैसे ही रह गए ये वाले भी, इनको इन्हीं के साथ अटैच कर लेते हैं, लाइन में जाके अटैच, ठीक है। और ये जैसे यही है, इसको एक्सट्रूड इस पर डाल दीजिए, हो गया। कुछ पिलर अभी ये हमारी वॉल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इतना करिए आप, फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी एक नया पार्ट लेके आने वाला हूँ। मॉडल्स देखेंगे कहाँ से, कैसे कैसे डाउनलोड करनी है, क्या क्या लगाना है, कहाँ पर क्या चीज़ कैसे लगेगी, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।